संविधान खतरे में ना लोकतंत्र की दुहाई, अश्विनी कुमार की मॉब लिंचिंग पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? या बादाम तेल जो हम नाक में डालने के लिए बोलते हैं, या सासारी खाली पेट और खाने के बाद कोरोनिल खाने के लिए बोलते हैं, ये कोई दवा बेचने के लिए, कोई व्यापार के लिए नहीं बैठे हमारे। ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल गेम खेल रही है, वो इंसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की लड़ाई की बात कर रही है। इसकी वजह से आप लोगों को भी मेहनत या फिर कहीं तो जद्दोजहद ज्यादा करनी पड़ रही है। क्यों बिक गए सब, सब के सब बिक गए हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बात मीडिया में घटे कुछ मजेदार किस्सों की करेंगे। देश में कोरोना के रोजाना 2 लाख केस आ रहे हैं और देश में चुनाव चालू हैं। शायद जहां चुनाव है वहां लोगों की भीड़ देखकर कोरोना डर गया होगा। खैर, चुनाव के अलावा देश में कुंभ मेला भी जारी है, वहां भी काफी भीड़ देखी जा सकती है। पिछले साल तबलीगी जमात को मुद्दा बनाने वाला मीडिया आज किन मुद्दों में व्यस्त है ये भी देख लीजिए। क्या कहीं दिल के किसी कोने में मोदी के लिए चाहत अब भी बाकी है, क्योंकि मोदी प्रशंसक आप लग रहे हैं। आपने एक पार्ट को काट दिया और एक पार्ट को घुमा रहे हैं। आप एक हिस्से को मीडिया को प्रोपेगेंडिस्ट कह रहे हैं। टीएमसी के नेता फिराद हाकिम कह रहे हैं कि दिलीप घोष नॉनसेंस हैं। मामला बराबर है ना? जो बोला है वो दिख रहा है। ममता बनर्जी पर 24 घंटे का बैन लगा दिया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा। न संविधान खतरे में न लोकतंत्र की दुहाई, अश्विनी कुमार की मॉब लिंचिंग पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कुछ लोगों की लापरवाही का खामियाजा पूरा देश क्यों भुगते? टीका उत्सव को सरकार की इवेंट बाजी बताया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ देश की जंग को कमजोर किसने किया? कोई तो होगा। खुद टीका नहीं लगवाएंगे लेकिन भ्रम फैलाएंगे। सियासत करने वाले कोरोना के खिलाफ जंग में कब गंभीरता से हिस्सा लेंगे? क्या जब तक सख्ती नहीं तब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी? अब ये कहा जा रहा है कि लोग जिम्मेदार हैं। मस्जिदों में आतंकी क्यों चुप रहे हैं? क्या एक नई परंपरा को जन्म दे रहे हैं? देश में कुछ भी होता है उसके लिए विपक्ष ही जिम्मेदार है, ऐसा भाजपा के नेता कह देते हैं। और मीडिया डिबेट में मोदी सरकार से ज्यादा सवाल तो राहुल गांधी से पूछे जाते हैं। इस पर एक रैली में राहुल गांधी मीडिया पर टिप्पणी करते नजर आए। ये हमारे प्रेस के मित्र बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा भाइयों और बहनों कोरोना आया है थाली बजाओ, और पता नहीं क्या हुआ हिंदुस्तान थाली बजाए। ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और ये एक्शन ले बजाए मजदूरों के लिए रेलवे टिकट बस टिकट खरीदने के बजाय देश को कह रहा है घंटी बजाओ। और ये जो मीडिया वाले हैं ये 24 घंटे दिखा रहे भैया देखो हिंदुस्तान घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, देखो घंटी बज रही है सब जगह, ताली बजाओ भैया घंटी बज रही है। कि कोरोना फैल गया, लाखों लोग मर गए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, मैं प्रधानमंत्री हूं, कुछ बोला उन्होंने? प्रेस वालों ने कुछ बोला? कुछ नहीं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये रखवाले हैं, इनका काम रक्षा देश की रक्षा करने का है, ये रखवाले हैं। बिक गए सब, सब के सब बिक गए हैं। देश में जब पहले कोरोना के केस सामने आने शुरू हुए थे तब मीडिया चैनल पर बाबा रामदेव के साथ चर्चा हुई। आज फिर जब कोरोना केसों के नंबरों में बढ़ोतरी हो रही है तो बाबा रामदेव फिर मीडिया डिबेट में मौजूद हैं। एक जगह तो उन्होंने कोरोना वैक्सीन पर भी तंज कस दिया। देखिए, एक तरफ वैक्सीन है और वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाने के बाद भी डॉक्टर से लेकर के आम लोगों को कोरोना हो रहा है, जो मैं देख रहा हूं, तो मैं वैक्सीन का विरोध नहीं कर रहा हूं, वैक्सीन लगवाए, लेकिन योग आयुर्वेद की डबल डोज ये भी जरूरी है। उधर वैक्सीन की डबल डोज, योग आयुर्वेद की डबल डोज। और आयुर्वेद में मैं को यहाँ अणु तेल, सड़बिंदु तेल, सरसों का तेल या बादाम तेल जो हम नाक में डालने के लिए बोलते हैं, या सासारी खाली पेट और खाने के बाद कोरोनिल खाने के लिए बोलते हैं, ये कोई दवा बेचने के लिए, कोई व्यापार के लिए नहीं बैठे। हमारा स्ट्रेन डबल ताकत के साथ आया है तो अपनी इम्यूनिटी को डबल करने के लिए योग और आयुर्वेद की डबल डोज ले। एक और खास बात आपको ये कहना चाहता हूँ रोहित भाई, और या मैं ऐसे 100 से ज्यादा डॉक्टरों को जानता हूँ कि कोरोना की डबल डोज लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो क्या करें, ना लेने तो भी कोरोना हो रहा है। कोरोना एक बार जिनको हो गया था 6 महीने के बाद उनकी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी थी वो खत्म हो गई,
वैक्सीन वाली भी 6 महीने के बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक साल बीत चुका है, पिछले साल मार्च का ही लगभग समय था जब आप टीवी पर आते थे और लोगों को बताते थे ये योगासन करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, वो वक्त दोबारा आ गया क्या? ये आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन रोहित भाई मैं वापस आज तक पर आया हूँ, जो देश में सबसे दूर तक जाता है सबसे तेज चैनल। न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंटरव्यू लिया। आप इस इंटरव्यू में सवाल सुनिए कितने तीखे हैं। 2021 में आज हम खड़े हैं, कोरोना का ये वक्त है, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, 4 राज्यों में लगभग चुनाव संपूर्ण हो चुका है, 1 राज्य में बचा है। आप अपनी चुनावी जर्नी को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है जेपी नड्डा जी कि जो पॉलिटिकल वायलेंस है सिर्फ चुनाव वाले दिन नहीं, सिर्फ जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन ही, कैंपेनिंग के दौरान भी जो वायलेंस हो रही है, ये वाकई 2021 की सदी में हम बैठे हैं और हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, क्या मैसेज जाता है? ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल गेम खेल रही है, वो इंसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की लड़ाई की बात कर रही है, इसकी वजह से आप लोगों को भी मेहनत या फिर कहीं तो जद्दोजहद ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि अमित शाह ने भी मेरे एक साक्षात्कार में बोला कि भूमिपुत्र ही बनेगा इंटरव्यू, आप लोगों को भी इंफेसाइज करके बोलना पड़ रहा है कि एक बंगाली मुख्यमंत्री होगा, हम बाहर से किसी को नहीं लेके आएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी? हम इलेक्शन में मेहनत हमेशा करते हैं। कोरोना के बीच चुनावी रैली जारी है, इसी बीच आप लल्लन टॉप का एक वीडियो देखिए जिसमें वह रैली में मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं। आज का रोजी देगा मालिक, जो बोला बोला है देगा कि आप बोल रहे हैं को? बोला है देगा, ऐसे तो बोला है नहीं लेकिन हफ्ता में देता है वो। हफ्ता में कितना देता है भैया? हफ्ता में देता है, हाँ, एक आदमी की 400 देता है। तो आज के पैसे कटेंगे क्या? वही सवाल है। हाँ वो तो आज के पैसा तो कट नहीं, कैसे करते यार, जब काम निकले नहीं करते, 400 तो दिया है ने, 400 रुपए दिया है ने, तो कोची करते, आज के पैसा कटेगा ना करते। आपस में मत लड़िए, देखिए लड़ाई करने के लिए नहीं बुलाए हैं, लड़ाई नहीं कर रहे। मैं बस इतना पूछा, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए, क्या नाम है भाई? आई है, देखिए आप लोग रैली में आए थे, एक बार सुन तो लीजिए। हाँ मालूम नहीं है ना, तो रैली में आए थे ना। अच्छा, इनके साथ चलते हैं, आगे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये अक्सर जो अब तक समझ आया है कि रैली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं, प्रवासी मजदूर हैं, और उनको इस रैली में लेकर आया गया है। ऐसा नहीं है कि मीडिया सवाल ही नहीं कर रहा, पर आज तक के पत्रकार रोहित सल्दाना ने भी भाजपा के नेता को कोरोना के मुद्दे पर तीखे सवालों में घेरा। मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए आज कठिनाई की स्थिति से निपटने की तैयारी हो रही थी ना एक साल से, आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमें जानकारी भी पूरी है कि हम किस चीज से लड़ रहे हैं। लेकिन महामारी में कभी कभी होता है कि अगर सडनली कुछ ऐसा रेट ऑफ इन्फेक्शन बढ़ गया तो हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं क्या इसका अंदाजा नहीं था, कमियां हो सकती है। क्या सरकार ने ये मान लिया था कि हम तो जीत गए, अब कोरोना खत्म हो गया, अब वापस कुछ नहीं होगा? ऐसा नहीं, देखिए आज यही उस वक्त के आप वीडियो निकाल के देखिए, सारे अपोजिशन लीडर्स का कह रहे थे 2024 तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, ये वही देश है और इस देश की लीडरशिप की वजह से बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं उस आम आदमी की बात कर रहा हूं जो अस्पताल के बाहर खड़ा है, उसको डॉक्टर कह रहा है कि अंदर जगह नहीं है, हम आपको बेड नहीं दे सकते, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं है, इसमें अपोजिशन कहां से आ रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं है, अगर आप स्टेट का जो अनाउंसमेंट उसमें देखिए तो बेड भी अवेलेबल है। साहब कागज पे बेड होने से क्या होगा? अगर आदमी अस्पताल के बाहर खड़ा, उसको वहां अगर एंट्री नहीं मिल रही है, मैं आपको 10 उदाहरण दिखा सकता हूं ऐसे। ये तो थी इस हफ्ते की बात, आप अपने विचार हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी और मजेदार वीडियोस और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।